गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सिविक्स के अपने चैप्टर मीडिया एंड डेमोक्रेसी इसके अंतर्गत आगे का टॉपिक पब्लिक ओपिनियन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन रेफर्स टू द ओपिनियंस और व्यूज ऑफ पीपल in a community or country on issues of public interest or concern. The issues may be political, economic or social. Public opinion का मतलब होता है आम लोगों का विचार। वो अलग अलग चीज़ों पर हो सकता है, political, राजनीतिक, economic, आर्थिक या सामाजिक। किसी भी मुद्दे पर आम लोगों के विचार को हम लोग पब्लिक ओपिनियन का नाम देते हैं। जैसे कि मान के चलते एक एग्जांपल लेते हैं कि 33% जो सीट है लोकसभा में वो महिलाओं को दिया जाए या ना दिया जाए, इसके बारे में जनता की जो राय ली जाएगी तो उसे हम लोग पब्लिक ओपिनियन या आम राय, जनता की आम राय कहते हैं। पब्लिक ओपिनियन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसके माध्यम से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो ये जान पाते हैं कि आम जनता क्या चाहती है। साथ में जो राजनीतिक प्रतिनिधियों का चुनाव जो होता है, हमारे मंत्रियों का चुनाव जो होता है, वो भी पब्लिक ओपिनियन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि आम जनता जिस व्यक्ति को अधिक वोट देती है वही व्यक्ति मंत्री पद के लिए चुना जाता है और आम जनता की तरफ से सारे महत्वपूर्ण निर्णय को लेता है। मीडिया पब्लिक ओपिनियन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मीडिया जो है सरकार और जनता दोनों के बीच एक पुल का काम करती है। ये आम लोगों से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम लोगों से राय लेती है और यह राय जो है मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचता है। साथ में ही ये आम लोगों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम भी करती है। तो गवर्नमेंट जो है उसे आम लोगों की जो इच्छा है या जो राय है वो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, चाहे समाचार पत्र हो चाहे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हो, वो जानकारी सरकार तक पहुंचती है और सरकार उसके अनुसार ही अपना पॉलिसी बनाती है, नीतियाँ बनाती है। यानी मीडिया जो है एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया एक्ट्स एज अ वॉच डॉग। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। The media plays an important role in providing news and discussing events taking place in and outside the country. मीडिया जो है वो एक वॉचडॉग का काम करती है। वॉचडॉग मतलब निगरानी रखने वाला, जिसको बोल सकते हो। एक लिंक है इसके बीच में सरकार और आम जनता के बीच में। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी ये आम लोगों तक पहुंचाती है और आम लोग की राय जो है सरकार तक पहुंचाती है। मीडिया इस बात का ध्यान रखती है कि सरकार किसी भी तरह से अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा सरकार में होने वाले घोटालों, भ्रष्टाचार के बारे में भी ये लोगों को बताती है और उसको उजागर करती है, और पॉलिटिकल लीडर्स को, जो राजनीतिक नेता होते हैं, उनको लोगों की फीलिंग, लोगों के विचारों से अवगत कराती है। और कहीं ना कहीं आज के इस दौर में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जनता और सरकार के लिए, क्योंकि सरकार का बनना या सरकार का गिरना, ये दोनों चीज़ें आज के दौर पर मीडिया निर्धारित करती है। मीडिया लोगों के विचारों को सरकार के प्रति डेवलप करने का भी काम करती है। यानी सरकार अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी जानकारी वो लोगों तक पहुंचाती है। अगर सरकार की कुछ नीतियां ऐसे हैं जो वो लोगों के खिलाफ है तो इसकी जानकारी भी मीडिया के माध्यम तक से ही लोगों तक पहुंचता है। तो मीडिया का जो रोल है डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
कल जो है हम लोग बाकी दो टॉपिक मीडिया इथिक एंड अकाउंटेबिलिटी और फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड लीगल चेक्स, इन दोनों टॉपिक्स पे कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।